हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूं और मोस्टली मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं कि जैसे कि वो मार्केट से किनुआ नहीं खरीद सकते हैं या फिर कुछ इस तरह की महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं, तो वो घर की ग्रोसरी में से ही ऐसी क्या चीज़ लें जिससे कि उनको प्रोटीन भी मिले, फाइबर भी मिले, वेट मैनेज भी हो सके, वेट लॉस भी हो सके। तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ भी लाऊँ जिस जो बिना खर्च के आप अपने वेट को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, वेजिटेरियन वाले प्योर प्रोटीन ले सकते हैं, प्योर फाइबर ले सकते हैं। तो आज मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ जिसके लिए आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो आपके घर के इंग्रेडिएंट हैं आपको उसी से बनाना है, बहुत ही टेस्टी बनेगी। कुछ दो तीन चीज़ें मैं और बताऊँगी कि आप उसे कैसे लंच में ले सकते हैं। जो मैंने एक टाइम पे आके उसे कंज्यूम किया था लगभग एक डेढ़ महीने, जिससे कि मेरे हेयर काफ़ी अच्छे हुए थे, मेरी स्किन काफ़ी अच्छी हुई थी। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जिन भी लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट पहले सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। देन मैंने एक न्यू चैनल लॉन्च किया है जहां मैं अपने हेयर से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड सारी चीज़ें लेके आती हूं। तो उसका लिंक ऊपर दिया हुआ है, आप जाके जैसे उस पर क्लिक करेंगे देन उस चैनल पर पहुँच जाएंगे। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं आइडिया। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि दोपहर का खाना हम सबके लिए कितना ज़रूरी होता है, और इसी लंच में अगर हम कुछ हेल्दी डाइट ले लें तो हमारा वजन कभी नहीं बढ़ेगा और बढ़ा हुआ वजन भी कम होने लगेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए प्रोटीन से भरपूर लंच लेकर आई हूँ, जो कि आपके हाजमे को भी दुरुस्त करेगा और साथ ही साथ वेट लॉस भी करेगा। इतना सस्ता और प्रोटीन आपको कहीं नहीं मिलेगा, और वेट लॉस करने में प्रोटीन अहम भूमिका निभाता है क्योंकि यह हमारी मसल्स को मजबूत बनाता है, जिससे शरीर की चर्बी पिघलने लगती है। फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ मूंग की दाल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मेरी आज की रेसिपी। तो फर्स्टली आपको चाहिए चॉप्ड ओनियन यानी कि प्याज, हरी मिर्च, एक कटी हुई हरी मिर्च, फ्रेश कोरिएंडर लीव यानी कि हरी धनिया, सम टमाटोज यानी कि टमाटर, आपको जीरा और हींग लेना है, और करी लीव्स, और आपको मूंग की दाल लेनी है 100 ग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो फर्स्ट आपको हाफ टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यूज करना है, यानी कि आपको मस्टर्ड ऑयल हाफ टेबल स्पून यूज करना है। फ्रेंड्स, मूंग की दाल में और भी कई खूबियां हैं। एक आदमी को दिन में 100 ग्राम आयरन की आमतौर पर जरूरत होती है, उसका 37% आयरन अकेले 100 ग्राम मूंग से मिल सकता है। यही नहीं, एक दिन की जरूरत का 13% कैल्शियम भी 100 ग्राम मूंग की दाल से मिल जाता है। तो आपको इसमें हींग, जीरा, हरी मिर्च डालनी है, इसके बाद आपको इसमें चॉप्ड ऑनियंस डालना है, और आपको फिर करी लीव्स और टमाटो डाल के इसे अच्छे से फ्राई करना है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप इसमें रॉक सॉल्ट यूज़ करेंगे, यानी कि सेंधा नमक यूज़ करेंगे, नॉर्मल वाला नमक आप नहीं यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप अपनी लाइफ से शुगर और नॉर्मल नमक को बिल्कुल भी अपनी लाइफ से निकाल फेंकिए, आप यहाँ पे सेंधा नमक ही यूज़ करिएगा। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगी कि 100 ग्राम मूंग की दाल में 347 कैलोरीज होती हैं, 1.2 ग्राम फैट होता है, 63 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, 16 ग्राम फाइबर होता है, और 24 ग्राम प्रोटीन होता है। यानी कि आपको जितना भी आयरन, प्रोटीन, विटामिन की जरूरत है, ये आपके लंच में भरपूर मात्रा में आपको देगा और आपका पेट भी भर जाएगा। और आप इसके बाद आपको इसमें पानी डाल के इसे अच्छे से पका लेना है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें भीगे हुए चने भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें भीगे हुए राजमे भी यूज़ करके इसे अच्छे से पका सकते हैं। पकने के बाद इसका कुछ ऐसा दिखने में लगेगा। आप इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स डालिए और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, मैं इसे अकेले नहीं लेती हूँ, इसके साथ मैं
कुछ कुकुम्बर्स लेती हूँ। ये देखिए ये तैयार है मेरी दाल। आप चाहें तो इसको एक रोटी ले सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा चावल भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें राजमा और चने भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे दो खीरे लेती हूँ, ये दाल लेती हूँ, दो खीरे लेती हूँ, और इसके साथ मैं एक चीज और ऐड करती हूँ, वो है बटर मिल्क यानी कि मट्ठा। तो इससे मेरी डाइट कंप्लीट होती है, फाइबर से, मिनरल से, विटामिन से, मतलब मैं एक भरपूर डाइट लेती हूँ, जैसे कि संपूर्ण आहार कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ बनाना सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आप अगर अपने तरीके से बनाना चाहें तो अपने तरीके से बना सकते हैं, इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, करी पत्ता ऐड कर सकते हैं, इवन आप इसमें अरहर की दाल भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ प्योर लेंगे छिलके वाली, तो प्योर फाइबर है, बेली फैट जाएगा, प्रोटीन आपको भरपूर मिलेगी, और काफ़ी अच्छा ऑप्शन है वेट लॉस का। और वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ।